Hello everyone. Now let us discuss in detail the another type of genetic disorders that are called as Mendelian disorders. इनको Mendelian disorders इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका transference parents to progeny Mendelian inheritance of laws जो Mendel के laws थे inheritance के उन पर based है, जो laws हम already पढ़ चुके हैं. तो इन डिसऑर्डर्स का जो ट्रांसफेरेंस है फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू प्रोजेनी इज अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मेंडल, इसीलिए इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है. सो देयर आर मेनली दे आर मेनली डिटरमिन्ड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. जब कोई भी जीन ऑल्टर या म्यूटेट हो जाए, यानी म्यूटेशन का मतलब क्या है, मैं पहले ही बता चुकी थी आपको टर्मिनोलॉजी सेक्शन में. म्यूटेशन का मतलब है जब भी किसी जीन में कोई भी गड़बड़ हो जाती है, like, जीन मतलब एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए या कोई कॉपी डिलीट हो जाए क्रोमोसोम की या फिर उनका अरेंजमेंट खराब हो जाए, तो वो म्यूटेशन कॉज करते हैं. तो ये बेसिकली ये डिसऑर्डर्स जो है वो जीन्स में म्यूटेशन या ऑल्टरेशन यानी चेंजेस के कारण होते हैं. These disorders are transmitted in next generation according to this point I have already clarified, but let us see. According to the principle of inheritance and can be studied by the pedigree analysis. तो ये disorders समझने के लिए आपको सबसे पहले Mendel के laws of inheritance clear होने चाहिए, क्योंकि इनका transference जो है Mendelian disorders के according ही explain होता है, और आपको pedigree analysis समझ आना चाहिए. Although pedigree analysis में अगर आपको सिर्फ चार सिंबल्स प्रॉपर पता है तो आप ये समझ सकते हैं. I'll tell you separately कि वो चार सिंबल्स क्या है जो pedigree analysis के आपको पता होने ही चाहिए. These can be dominant or recessive. ये disorders dominant भी हो सकते हैं और recessive भी हो सकते हैं. So sex linked Mendelian disorders which are there in the syllabus are hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, thalassemia, फिनाइल कीटो यूरिया. वन मोर आई टेल दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, वो भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है पर हमारे सिलेबस में नहीं है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड दैट इज हीमोफीलिया. सो दीज आर द सिक्स मेंडेलियन डिसऑर्डर्स: हीमोफीलिया, फिनाइल कीटो यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, विच वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो द फर्स्ट इज हीमोफीलिया. अब ये होता क्या है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें जिसको भी ये डिजीज होती है उस पर्सन को अगर कोई माइनर कट भी लगता है तो उसकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती या बहुत लेट होती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है इन ह्यूमन बींग्स में जो इस बीमारी से अफेक्टेड होते हैं. ब्लड क्लॉट नहीं बनता जल्दी, जिसके कारण जो है छोटे से कट से भी बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज. इसे रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो है उनकी फैमिली में ये बहुत सारे लोग इस डिजीज से जो है वो अफेक्टेड थे, क्योंकि उनकी जो फैमिली पेडिग्री है वो क्वीन विक्टोरिया एक्चुअली कैरियर थी हीमोफीलिया की, और जिसके कारण उनकी फैमिली में बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है हीमोफिलिक हुए. सो आई विल एक्सप्लेन इट लेटर कि ये कैसे होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ब्लड क्लॉट नहीं बनता और ब्लड लॉस होता ही चला जाता है. बिकॉज द क्लॉटिंग टाइम इज डिलेड, क्योंकि जो है ब्लड क्लॉट बनने का टाइम बहुत ज्यादा डिले हो चुका होता है. ये दो तरह की होती है हीमोफीलिया ए, जिसमें नॉन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 के कारण ये होता है. ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको आप बहुत डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, बट क्योंकि हम हीमोफीलिया के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर के कारण ये होते हैं. तो हीमोफीलिया डिजीज भी दो तरह की होती है, हीमोफीलिक ए एंड हीमोफीलिक बी. तो हीमोफीलिक ए जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 ना बनने के कारण होती है, और हीमोफीलिक बी क्लॉटिंग फैक्टर 9 ना बनने के कारण होती है. Now we'll see what is actually hemophilia in detail. This is a sex-linked recessive disorder. ये एक sex-linked recessive disorder है. And the gene which causes this disorder is located on sex chromosome. ये कहाँ पाया जाता है? Sex chromosome में. ठीक है, specially X chromosome से related है ये disorder. And it shows its effect in recessive form. और ये recessive form में अपना असर दिखाता है. Sex linked is also means this is X linked, Y gene से नहीं है, ये X chromosome से linked disorder है.
इसके लिए आपको एक सिंबल पता होना चाहिए, वो एक्चुअली ये है। मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस के कुछ सिंबल्स अभी फिर से बताऊंगी, जिनके बिना आप जो है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर समझ नहीं सकते। सो यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, एक स्क्वायर सॉरी एक सर्कल बना है जो शेडेड है। तो एक बार फिर से हम कुछ सिंबल्स डिस्कस कर लेते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में आपको अलग से बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, बट ये डिसऑर्डर समझने के लिए सिर्फ कुछ सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। अगर एक सर्कल ड्रॉन है जिसमें कुछ भी नहीं है, इट्स ब्लैंक, तो ये एक नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल जिसको ना तो कोई बीमारी है ना वो कोई बीमारी कैरी कर रही है, ठीक। अगर एक स्क्वायर बॉक्स बना है तो दिस रिप्रेजेंट्स अ नॉर्मल मेल, ठीक है। सो नॉर्मल फीमेल के लिए सिंपल सर्कल और नॉर्मल मेल के लिए सिंपल स्क्वायर बॉक्स। अगर एक सर्कल बना है और वो हाफ शेडेड है तो ये है कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल, कैरियर का मतलब होता है ये खुद बीमार नहीं होगी पर बीमारी के क्रोमोसोम्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं, स्क्वायर बॉक्स, और ये स्क्वायर बॉक्स भी ऐसे हाफ शेडेड है तो दिस रिप्रेजेंट्स कैरियर मेल, मतलब ये मेल खुद उस बीमारी से बीमार नहीं है लेकिन ये बीमारी कैरी कर रहा है। उसके बाद अगर आप एक सर्कल बना रहे हो जो पूरा शेडेड है, सो दिस विल बी अफेक्टेड फीमेल, माने ये फीमेल उस बीमारी से खुद बीमार होगी। एंड इफ सिमिलरली देयर इज अ स्क्वायर बॉक्स विच इज कम्प्लीटली यू नो शेडेड, तो दिस इज अफेक्टेड मेल। सो ध्यान दें, नॉर्मल सिचुएशन में कोई शेडिंग नहीं है, कैरियर में हाफ शेडिंग है और अफेक्टेड में फुल शेडिंग है। ये सिर्फ 6 सिंबल्स आपको आते हैं तो आप पूरा का पूरा मेंडेलियन डिसऑर्डर सारे के सारे टाइप्स आसानी से समझ सकते हैं। तो इन 6 को जरूर जानें और समझें। नाउ लेट अस डिस्कस बाय द हेल्प ऑफ अ क्रॉस कि कैसे जो है हीमोफीलिया ट्रांसफर होता है। एक्चुअली यहाँ पे हमने एक नॉर्मल मेल लिया है, नॉर्मल मेल मतलब एक स्क्वायर बॉक्स जिसमें कुछ भी नहीं है। अभी मैंने आपको 6 सिंबल्स बताए, उसमें से पहली लाइन का दूसरा सिंबल है जो स्क्वायर मतलब मेल और उसके अंदर कोई शेडिंग नहीं है, इसलिए नॉर्मल मेल। नॉर्मल मेल का जेनेटिक मेकअप क्या होता है, XY, पता है हमें। फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का मतलब फीमेल और हाफ शेडेड का मतलब कैरियर। कैरियर मतलब इसको खुद को बीमारी नहीं है पर यह बीमारी के क्रोमोसोम लेके घूम रही है, ठीक है। अब देखिए, जो कैरियर फीमेल है वो हीमोफीलिया के केस में कैसे लिखी जाएगी। फीमेल के लिए हम दो क्रोमोसोम्स लिखते हैं, एक दो बार एक्स, ठीक। मेल के लिए XY लिखते हैं, फीमेल के लिए दो बार एक्स लिखते हैं। तो नॉर्मल फीमेल होती तो दो बार एक्स लिखते, पर क्योंकि ये हीमोफीलिया की कैरियर है इसलिए एक पे हम डॉट लगाएंगे। बुक्स में डॉट की जगह सी भी लिखा रहता है, सी माने कैरियर, ठीक है। मैंने डॉट लगा रखा, आप सी भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है जो लिखना चाहें। तो डॉट का मतलब, एक एक्स पे डॉट का मतलब है कि ये कैरियर है, ठीक। अब अगर हम इनके क्रॉस कराएंगे तो हमें जो गेमीट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, एक एक्स मिलेगा, एक वाई मिलेगा, और यहां से एक एक्स मिलेगा, एक एक्स डॉट मिलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दें कि सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, मेल को ना तो कोई बीमारी है, ना वो कैरियर है, ना वो अफेक्टेड है, बिल्कुल नॉर्मल मेल है, लेकिन फीमेल कैरियर है। अब ध्यान दें क्या होगा, ये एक्स अगर इस एक्स से जो है फर्टिलाइज होता है, या ये एक्स वाला स्पर्म अगर इस नॉर्मल एग को फर्टिलाइज करता है तो आपको क्या मिलेगा, XY, ठीक है। वाई कहां से, दिस इज दिस सिचुएशन जो मैं आपको ये समझा रही थी, XX, हम पहले YX समझ लेते हैं क्योंकि वो यहां लिखा है। अगर ये एक्स इस वाई से फर्टिलाइज होता है तो आपको क्या मिल रहा है, वाई फ्रॉम फादर, वाई फादर से आ रहा है, और एक्स कहां से आ रहा है, मदर से। तो एक्स डोमिनेंट है ऑलरेडी, ये क्या होगा, XY नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल XY का मतलब मेल चाइल्ड डेवलप होगा इससे। दूसरा सिचुएशन देखें, ये एक्स और ये एक्स मिल रहे हैं, तो दिस एक्स इज फ्रॉम फादर एंड दिस एक्स इज फ्रॉम मदर, यानी एक एक्स फादर से आया, एक मदर से आया, तो आपको क्या मिल रहा है, नॉर्मल गर्ल चाइल्ड मिल रही है। XX माने गर्ल और जो है नॉर्मल। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये वाई इस दूसरे एक्स डॉट के साथ जाए, तो ये होगा मेल चाइल्ड क्योंकि XY है, मगर एक्स क्रोमोसोम जो है वो कैरियर वाला आ गया है, इसीलिए ये डिजीज्ड मेल होगा, ये हीमोफिलिक मेल डेवलप होगा। और यहां देखें, अगर ये नॉर्मल एक्स मेल से, नॉर्मल एक्स और फीमेल का
कैरियर वाला एक्स डॉट वाला ये मिल जाए तो ये क्या होगी, ये फीमेल होगी, मगर ये फिर भी ये जो है अफेक्टेड नहीं है, ये क्या है, ये कैरियर है। एक ही क्रोमोसोम एक्स पर अगर डॉट आता है तो वो क्या होती है, कैरियर होती है। लेकिन फीमेल एक्स डॉट आने, सॉरी मेल एक्स डॉट आने से अफेक्टेड कैसे हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि उसमें दूसरा एक्स होता ही नहीं, उसमें वाई होता है। तो अगर मेल में एक्स जो है सिंगल एक्स भी डॉट के साथ आएगा, क्योंकि सिंगल ही आ सकता है, दूसरा तो वाई आता है, तो वो मेल जो है वो डिजीज्ड हो जाता है। ठीक है, नाउ यू सी द सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या हुआ है, मान लें कि फादर डिजीज्ड है यानी हीमोफिलिक है, तो हीमोफिलिक फादर का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, एक्स डॉट वाई, ये डिजीज्ड कंडीशन है। और दिस पर्सन हु इज डिजीज्ड मींस हु इज हीमोफिलिक, पिछले वाले क्रॉस में मेल एकदम नॉर्मल था, फीमेल कैरियर थी, लेकिन यहाँ पे डिजीज्ड मेल है और फीमेल कैरियर है। अगर आप इनका क्रॉस कराते हो तो यहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज जो हैं वो कैसे आपको आता है क्रॉस, अब तो बनाना बहुत बार बना चुके हैं, यहाँ से गेमिट्स बनेंगे एक्स डॉट और वाई, और यहाँ से बनेंगे एक्स और एक्स डॉट। तो जो चार बच्चे प्रोड्यूस होंगे, देखिए एक्स डॉट और वाई इनसे बने हैं और एक्स डॉट, ये मेल गेमिट्स हैं और ये फीमेल गेमिट्स हैं, इनका क्रॉस कराएं तो एक्स एक्स डॉट एक्स वाई एक्स डॉट एंड एक्स डॉट वाई, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेड इंक में शॉर्टकट्स लिख रखे हैं, उनका फुल फॉर्म यहाँ है। एफ सी का मतलब है जो पहला फीमेल बना है, एक्स एक्स माने फीमेल, और एक डॉट है मतलब कैरियर, एक्स वाई एक भी डॉट नहीं आया एक्स के ऊपर यानी नॉर्मल मेल, एफ डी यानी ये बिल्कुल डिजीज्ड फीमेल है। फीमेल कब डिजीज्ड होगी, जब दोनों एक्स पर डॉट आएगा, अगर एक एक्स पे डॉट आता है तो वो फीमेल कैरियर होती है। एंड द लास्ट सिचुएशन टॉक अबाउट दिस मेल विल अगेन बी डिजीज्ड। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि देर इज अ क्रॉस बिटवीन अ डिजीज्ड माने हीमोफिलिक मेल एंड अ कैरियर फीमेल, तो बच्चों के परसेंटेज क्या, अगर चार बच्चे हों तो बच्चों में डिजीज्ड और कैरियर और ये कितना परसेंटेज जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल्स आर डिजीज्ड, अगर एक डिजीज्ड फादर या एक हीमोफिलिक फादर एक हीमोफिलिक कैरियर मदर से मैरिड होता है तो आपके क्रॉस में कितने परसेंट मेल्स डिजीज होने के चांसेस हैं। तो आप देखिए कितने डिजीज्ड मेल हो सकते हैं, एक तो आपको ये मिला है मेल डिजीज्ड, यानी कि सबसे पहले देखिए बच्चों का जेंडर क्या है, तो यहाँ पे दो फीमेल्स हुई हैं और दो मेल्स हुए हैं, तो दो मेल में से एक मेल जो है डिजीज्ड है, यानी 50% डिजीज्ड मेल और 50% नॉर्मल मेल होने का चांस है। अगर फीमेल्स के बारे में पूछे तो 50% फीमेल जो है डिजीज्ड है, देखिए दो में से एक डिजीज्ड है, ठीक है, दो यानी 100% टोटल इज टू, तो दो यानी 100%, तो एक डिजीज्ड माने 50% डिजीज्ड एंड 50% कैरियर, नॉर्मल गर्ल चाइल्ड है ही नहीं यहाँ पे, दो लड़कियां हैं एक कैरियर होगी और एक डिजीज होगी, जिसमें दोनों एक्स डॉट वाले आ जाएंगे वो डिजीज्ड हो जाएगी, जिसमें एक आएगा वो कैरियर होगी। ठीक, अब हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये पूछता है कि इफ इट इज आस्क्ड दैट हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर डिजीज्ड देयर आउट ऑफ फोर चिल्ड्रन, चार बच्चों में से कितने डिजीज्ड होंगे, तो आपको दिख रहा था एक फीमेल डिजीज्ड है और एक मेल डिजीज्ड है, बाकी एक मेल नॉर्मल है और एक मेल कैरियर है, तो जवाब क्या होगा कि चार में से 50% यानी दो बच्चे जो है डिजीज्ड है, एक लड़का और एक लड़की। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हीमोफीलिया एंड इट्स एक्सप्रेशन इन द क्रॉस। नाउ दीज आर टू नेक्स्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर हो रही है एंड इट इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन अनअफेक्टेड कैरियर मेल, कैरियर सॉरी इट्स फीमेल, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, फीमेल खुद इफेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ कैरियर है टू द मेल ऑफस्प्रिंग्स, और अगर फीमेल कैरियर है तो मेल चाइल्ड जो है वो हीमोफिलिक हो जाता है अगर उसे एक एक्स जो है वो डॉट वाला मिल गया तो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की, जो पॉसिबिलिटी है मेल बीइंग अफेक्टेड कि मेल चाइल्ड हीमोफिलिक हो वो तो बहुत ज्यादा है, और एक्चुअली फीमेल जो कैरियर है उससे मेल चाइल्ड ही अधिकतर जो है हीमोफिलिक होते हैं, लेकिन जो एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है कि मदर जो है वो जो बेबी गर्ल अगर बॉर्न होती है तो एक मदर से फीमेल को जो है सिर्फ कैरियर बनाती है ऑलमोस्ट सिचुएशंस में, वो उसे डिजीज्ड नहीं बनाती, स्पेशली मेनली मेल्स जो है वो डिजीज्ड होते हैं। तो बेसिकली अगर आप
आपको देखना है कि फीमेल चाइल्ड आपका डिजीज्ड हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फादर जो है वो हीमोफिलिक हो और मदर एटलीस्ट कैरियर हो, तभी गर्ल चाइल्ड हीमोफिलिक होगी। सो आई होप हीमोफीलिया इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।